नमस्कार, लाइव सिटीज के एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, और ऐसे में झाड़ू का भूलकर भी कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और घर में दरिद्रता छाने लगती है। तो वहीं आपको बता दें कि घर में साफ सफाई रखना बेहद जरूरी होता है। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, वहाँ बीमारियाँ नहीं पनपती और भगवान की कृपा भी बनी रहती है। साफ सफाई के लिए जो चीज सबसे अहम मानी जाती है वो ये है कि झाड़ू के बिना साफ सफाई की कल्पना नहीं की जा सकती। झाड़ू का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, और ऐसे में अगर कभी भी झाड़ू में गलती से भी पैर लग जाए तो कुछ काम फटाफट कर लेने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके झाड़ू में पैर लग जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वरना घर में कंगाली आने में देर नहीं लगेगी। तो वास्तु शास्त्र में झाड़ू को लेकर कई नियमों के बारे में बात की गई है। कई बार जाने अनजाने में व्यक्ति से झाड़ू पर पैर लग जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे में क्या करें? और झाड़ू पर पैर लगना माँ लक्ष्मी का अपमान है। इस वजह से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपसे भी कभी ऐसा होता है तो झाड़ू को हाथ से छू कर माथे पर लगाए और माँ लक्ष्मी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगे। तो वहीं आपको बता दें कि झाड़ू को कभी भी खड़ी ना रखें। वास्तु में कहा गया है कि इसे हमेशा लिटा कर रखा चाहिए। कहते हैं कि खड़ी झाड़ू अपशगुन मानी गई है, और इसकी वजह से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और घर में कभी भी टूटी झाड़ू का प्रयोग ना करें। झाड़ू के टूटने या फिर खराब होने पर इसे तुरंत बदल लें। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार और गुरुवार के दिन झाड़ू बाहर ना फेंके। तो वहीं आपको बता दें कि रात में कभी भी झाड़ू ना लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको धन संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। और झाड़ू को अगर दक्षिण या फिर पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा में रखेंगे तो जीवन में कभी भी धन हानि नहीं होगी, और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। झाड़ू को कभी भी अलमारी या फिर तिजोरी के पीछे सटा कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी धन हानि होता है। हम सभी जानते हैं कि घर में साफ सफाई रखना बेहद ही जरूरी होता है। जिससे घर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, वहाँ बीमारियाँ नहीं पनपती और भगवान की कृपा भी बनी रहती है। और साथ ही हम सभी जानते हैं कि झाड़ू के बिना साफ सफाई की कल्पना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इसका और झाड़ू का कभी भी हम लोगों को अनादर नहीं करना चाहिए। झाड़ू का अनादर करने से कंगाली फैलती है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। और ऐसे में अगर कभी भी झाड़ू में गलती से पैर लग जाए तो आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए, वरना घर में कंगाली आने में देर नहीं लगेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।